प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अहिल्याबाई स्टेडियम में लगाई गई प्रदर्शनी देखने के लिए उमड़ा जनसैलाब। करंट की चपेट में आने से 5 नील गायों की मौत। किसानों ने खेत में करंट का बिछाया था जाल। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय जनता पार्टी की कड़ी आलोचना की। नए पीडियाट्रिक केयर यूनिट का हुआ है उद्घाटन। डिप्टी सीएम बीएस पाठक कार्यक्रम में रहे उपस्थित। एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र संचालन में लूट का खुलासा। लूट में शामिल 3 अभियुक्त गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। डिप्टी सीएम बीएस पाठक ने हैलेट अस्पताल में नई पीडियाट्रिक केयर यूनिट का उद्घाटन कर कानपुर वासियों को सौगात दी है। यूनिट के शुरू होने से मरीजों में इलाज की सुविधा मिलेगी। डिप्टी सीएम ने कोरोना वार्डों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को कोविड प्रोटोकॉल के पालन करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान हैलेट अस्पताल के प्रिंसिपल संजय काला ने डिप्टी सीएम को कोविड तैयारियों की जानकारी दी। मेडिकल कॉलेज कानपुर को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था, कानपुर आसपास के सभी मरीजों को यहां मिले, इस प्रकार का काम उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कर रही है। अभी प्रधानाचार्य महोदय साथ बैठक करके और भी आवश्यकताएं उनको हम पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश में नए वेरिएंट के 2 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम बीएस पाठक ने कोरोना को लेकर कई बैठक भी की और सभी अस्पताल प्रशासन को कोरोना को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश भी जारी किए। कल प्रदेश में सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल भी होगी, लेकिन लखनऊ से अस्पताल प्रशासन तमाम जरूरी निर्देशों के बाद भी सोए हुए हैं। ये तस्वीरें लखनऊ के KGMU सिविल अस्पताल झलकारी बाई के, जहां आप लापरवाही साफ देख रहे होंगे। अस्पतालों में स्टाफ के साथ मरीजों और ईमानदार भी बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। कल KGMU प्रशासन ने कैंपस को मास्क जोन घोषित किया था, लेकिन बावजूद इसके ना तो कर्मचारी और ना ही ईमानदार मास्क में नजर आ रहे हैं। कोरोना को लेकर सरकार जितनी सख्त नजर आ रही थी, अस्पताल प्रशासन उतना ही लचर रवैया अपना रहा है। सरकार के मंसूबों पर पानी फेरता हुआ दिखाई दे रहा है। अमरोहा के गजरौला में कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि 3 जनवरी को गाजियाबाद में होने वाली भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी शामिल रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को प्रभावित करने के उद्देश्य से कोरोना का बहाना बना रही वर्तमान सरकार, सलमान खुर्शीद ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यात्रा भारत को जोड़ने के लिए है। जब देश का बंटवारा हुआ तब भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व ही नहीं था। यात्रा 3 तारीख को दोपहर में यात्रा गाजियाबाद से शुरू होगी, लोनी संसदीय क्षेत्र से, लोनी जो असेंबली क्षेत्र है वहां से शुरू होगी, गोकुलपुरी गांव है वहां से शुरू होगी। एक हमारी एक परंपरा है कि जो प्रांत होते हुए आ रहे हैं राहुल जी, वहां के प्रांतीय अध्यक्ष जो हैं वो झंडा ध्वज देते हैं, राष्ट्रध्वज को वो हैंड ओवर करते हैं अगले प्रांत के अध्यक्ष को, और वो अगले प्रांत का अध्यक्ष पर राहुल जी को लेकर आगे बढ़ता है। तो वहीं पर गोकुलपुरी गांव में ही वो झंडा सौंपा जाएगा और वो ध्वज लेकर फिर उत्तर प्रदेश में 3 दिन तक, यानी कि 5 तारीख की शाम तक उत्तर प्रदेश में रहेंगे, और उसके बाद फिर हम ध्वज हैंडओवर करेंगे उन लोगों को जो हरियाणा से आए हैं, उनका स्वागत करेंगे। यात्रा खबर अलीगढ़ से, जहां कारसी क्षेत्र अहिल्याबाई स्टेडियम में विनीत इंटर कॉलेज के एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें 6th क्लास से लेकर 12वीं तक क्लास के छात्रों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सभी छात्रों ने अपनी अपनी प्रतिभा दिखाकर चतरा की प्रदर्शनी लगाई। वहीं प्रदर्शनी को देखते हुए मुख्य अतिथि व लोक छात्र
के द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट को देखकर मुख्य अतिथि भी आश्चर्य में रह गए और उन्होंने कहा कि जो इन छात्रों ने ये सब दर्शाया है वह एक काबिले तारीफ है। इस तरीके से चाहतों की प्रतिमा और टैलेंट बाहर निकाला जा सकता है। देखिए यहाँ पे विनीत इंटर कॉलेज की तरफ से साइंस एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है जिसमें क्लास 6 से लेकर के मुझे लगता है 10th तक के बच्चों ने 12th तक के बच्चों ने अलग अलग साइंस प्रोजेक्ट के थ्रू अपना डेमोन्स्ट्रेशन किया है। और सबसे अच्छी बात ये देखने में आई है कि वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश की गई है, स्मार्ट सिटी से लेकर स्मार्ट विलेज तक, और इसके बीच जो जो कंपोनेंट आते हैं सबको कवर करने की कोशिश की गई है। इतने शॉर्ट नोटिस में मुझे बताया गया कि बच्चों ने ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया है और इतने इस मौसम में ये लोग यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के साथ जुटे हुए हैं, ये बताता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हमारा जो भविष्य है वो उज्ज्वल है। ये देखिए बहुत अच्छी कोशिश है विनीत इंटर कॉलेज की कि उन्होंने बच्चों को इस तरह से मोटिवेट किया है कि एक एग्जीबिशन लगाएँ, अपने जो साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिस्प्ले करें और इससे बच्चों में एक इनोवेशन और एक आइडियाज़ जो हैं वो निकल के आते हैं और बच्चे इससे मोटिवेट हैं। ये बहुत अच्छी अप्रोच है और ये बच्चों के लिए आगे फ्यूचर में भी काम आएगा। अलीगढ़ के कस्बा कौड़ियागंज में एक किसान ने अपने खेत में हाई टेंशन लाइन का बिछा रखा था जाल, करंट की चपेट में आने से 5 नीलगायों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी पर पहुंचे DSP बरला पुलिस ने अन्य अधिकारियों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और पशु चिकित्सक अधिकारी से सभी नीलगायों का पोस्टमार्टम करा, JCB मशीन की मदद से गड्ढे में पटवा दिया। पुलिस अधिकारियों ने खेत मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। ये 32 मरी हैं, कोई डालोगे हैं? ये आलू बो रहे हैं, आलू के खेतों पे लग रहे हैं तार। किनका खेत है? किनका खेत है? खेत तो वाको अरशद को। ऐसे कई गाय मर चुकी हैं, इनसे पहले कितनी गाय मर चुकी हैं? ना इनसे पहले कोई ना मरी है, यही मरी हैं। खबर बांदा से, जहां बुंदेलखंड किसान मजदूर संघ ने किसानों की 7 सूत्री मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम आयुक्त चित्रकूट धाम मंडल बांदा के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा है। और ज्ञापन सौंपते हुए किसान नेता प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट ने कहा कि जमीनी स्तर पर किसान मर रहा है, एवं वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि शासन प्रशासन की जो योजनाएं चल रही हैं वह जमीनी स्तर पर शून्य है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद कंवरिया ने कहा कि यदि 15 दिवस के अंदर हमारे किसानों की मांगें पूरी नहीं होती हैं तो बुंदेलखंड किसान मजदूर संघ पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता एवं किसान रोड पर चक्का जाम कर आंदोलन करने को मजबूर होगा, जिम्मेदार शासन प्रशासन की होगी। जिस तरह पूरे देश में किसानों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार और हमारी देश की मौजूदा सरकार छल रही है किसानों को, आप देखिए खाद के लिए किसान लाइन पर लगते हैं, लाठियां खाते हैं, ठीक है। जिस तरह बिजली का बिल उनका माफ नहीं किया जा रहा, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों का बिल माफ हो रहा, लेकिन किसानों का बिल माफ नहीं किया जा रहा। धान तौल में किसानों के साथ बराबर जासूसी अत्याचार हो रहा है, अगर किसान कुछ बोलता है तो उनके तहत साजिश रची जा रही है, वीडियो और ऑडियो भी वायरल हो रहा है। तो इन 7 बिंदुओं को लेकर के, किसानों की समस्या को लेकर के, हम सभी किसान मजदूर भाई आज माननीय कमिश्नर साहब से मिलने आए, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन देने आए। हमारी निवेदन है कि कमिश्नर साहब आए और हमारी बातें सुने, अगर कमिश्नर साहब नहीं आएंगे, हमारी बातें नहीं सुनेंगे, हम आपकी वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं, हम रोड चक्का जाम करेंगे, चाहे मुकदमा लिखा जाए, चाहे लाठी चार्ज हो, हम डरने वाले नहीं हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सोमवंशी के नेतृत्व में पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने सदर तहसील पर 13 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। उन्होंने जन सुलभ श्रीराम नगरिया गंगा सफाई में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले को सीमित बनाकर जांच करने की मांग की। करीब 4 घंटे चला धरना प्रदर्शन। सदर तहसीलदार के कार्रवाई के आश्वासन के बाद किसान यूनियन के नेताओं ने प्रदर्शन समाप्त किया। इसमें यह था कि भारतीय किसान यूनियन के कुछ पदाधिकारी तहसील दिवस में आए थे, उन्होंने एक झसी के चक्रोट को लेकर के एक अपना ज्ञापन दिया था, जिस पर मैंने नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में टीम लगाई थी। वो टीम शनिवार को जानी थी थाना दिवस पर, बट समहाउ थाना दिवस पर ही एक दूसरा प्रकरण आ गया था फतेहुल्लापुर का, वो वहाँ रवाना हो गई और वहाँ शाम हो गई तो ये जा नहीं पाए, उसको लेकर के लोग आक्रोशित थे। फिर संडे को नॉन वर्किंग डे था, आज वो टीम गई मौके पर, तो इनका कहना था कि ये यहाँ पर है और टीम वहाँ पे गई, तो इन्हें आश्वस्त कर दिया गया है कि टीम कल फिर चली जाएगी। और इन्होंने अपना 11 सूत्री मांग का ज्ञापन दिया है, जो बेसिकली तहसील से संबंधित नहीं है, 3-4 पॉइंट तहसील के हैं, बाकी पालिका से है, BDO साहब से है, DM साहब से संबंधित है,
उन्हें रिफर करवा दिया। धरने पे बैठने की मजबूरी ये थी कि जब हमने किसी समस्या को लेकर तहसीलदार महोदया जी को फोन किया तो उनके पास फोन उठाने का टाइम नहीं है। सीओजी नंबर पर वो समस्याएं नहीं सुन सकती किसी की, क्योंकि वो फोन उन्होंने व्यक्तिगत लिया है अपने लिए। तो इसीलिए पूछने आए थे कि आखिरकार सरकार ने उन्हें फोन क्यों दिया है और क्यों वे फोन उठाने में उन्हें तकलीफ होती है। तो सिर्फ यही एक समस्या थी या कोई और मामले भी थे? 13 सूत्री ज्ञापन दिया है जिसमें एक मामला ये है कि किसान यूनियन को क्लब वासियों की सेवा हेतु कैंप मुहैया कराया जाए मेला रामनगरिया में। खबर हरदोई से है जहां पिहानी हरदोई मार्ग पर तेज रफ्तार गन्ना लदे ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई है। पुलिस अधिकारियों ने मृतकों को परिजनों की घटना की जानकारी पर दी है, जिसके बाद वहां कोहराम मच गया। SSP पश्चिम दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि ट्रक को कब्जे में कर आरोपी चालक की गिरफ्तारी के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मृतक परिवार की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राजगीर मिस्त्री थे, यहाँ हरदोई में काम करते थे, काम करके वापस जा रहे थे। रास्ते में ट्रक के गन्ने से भरा हुआ ट्रक था, उसने जो है टक्कर मार दी। एक के तो वहीं अनिश्चित वहीं पे ख़त्म हो गए और दूसरे रास्ते में एम्बुलेंस हिला रहे थे, वहाँ रो निकल गए। ये थाना क्षेत्र हरियावा में एक बिलहरी स्थान पड़ता है, वहाँ पर ट्रक और बाइक में एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक बाइक पर 3 व्यक्ति सवार थे जो पिहानी की तरफ से राभा गांव है वहाँ से आ रहे थे, जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 1 व्यक्ति को हल्की फुल्की चोट है, जिनका इलाज किया जा रहा है। गजगुंडवारा नगर के बाग पंचायती में मानव कल्याण समिति के कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सरस्वती शिशु मंदिर के छात्राओं ने सरस्वती वंदना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि संजीव कुमार गुप्ता, पूर्व पालिका अध्यक्ष अलीगंज प्रचार्य डॉक्टर शेखर वर्मा ने भगवान हनुमान के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित किया। मानव कल्याण समिति के मंत्री सुरेश चंद्र आर्य ने बताया कि 1995 से ही जरूरतमंदों को कंबल वितरण, निशुल्क आंखों की जांच कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। समारोह में 100 से अधिक गरीब परिवारों को शीतलहर से बचाव के लिए कंबल वितरण किया गया। मुख्य अतिथि संजीव कुमार गुप्ता, अध्यक्ष सुरेश चंद्र उपाध्याय, संस्थापक OK शर्मा, मंत्री सुरेश चंद्र आर्य, पालिका अध्यक्ष संजीव महाराज, पूर्व पालिका अध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता समेत कई पदाधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित थे। मानव कल्याण समिति के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद महान भावों को इस ठंड के मौसम में समिति के सदस्य की ओर से कंबल वितरण कार्यक्रम हो रहा है। इस मानव कल्याण समिति ने नगर के समाज सेवी, धर्म प्रेमी और संपन्न व्यक्तियों द्वारा जो हमें सहायता दी गई है, उस सहायता के माध्यम से ये कंबल और भोजन का वितरण हो रहा है। सर्दी के मौसम में भयंकर कोहरा और सड़क दुर्घटनाओं और सामाजिक अपराध स्वतः ही बढ़ जाते हैं। इसके चलते सड़क दुर्घटनाएं और सामाजिक अपराध रोकने के लिए मैनपुरी पुलिस अधीक्षक ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं और मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक रहने की सलाह दी। सर्दी के मौसम में पुलिस के लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं। एक तो कोहरे का रहता है, ऐसे में आपराधिक कृत्य होने की भी संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि जितने भी व्यवसायिक केंद्र हैं उस उधर पुलिस को गश्त को बढ़ाते हैं, साथ ही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी पुलिस की गश्त प्रभावी रहती है। लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि फॉग लाइट लगावें और साथ ही अपने वाहन को बहुत इमरजेंसी हो तभी जा करके देर रात चलावें वरना चलावें, इस बात के लिए मोटिवेट किया जा रहा है और उसी का परिणाम स्वरूप यह है कि वाहन दुर्घटनाओं में कमी आई है। इसको और हम बिल्कुल नीचे लेवल तक ले जाना चाहते हैं जिससे कि वाहन दुर्घटनाएँ कम हो सकें और साथ ही अन्य आपराधिक गतिविधियों पर भी नियंत्रण स्थापित रहे, इसके लिए वो सारे प्रबंध किए जा रहे हैं। भोगांव हसनपुर के पास SBI ग्राहक सेवा केंद्र भैसरोली के संचालक के साथ 3 अज्ञात बाइक सवार लोगों ने मारपीट कर 70,000 रुपये से भरा बैग, एक लैपटॉप, फिंगरप्रिंट डिवाइस लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस अधीक्षक मैनपुरी के नेतृत्व में बनी टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए बेबर चुंगी से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि सभी साथी किस्म के अपराधी हैं जिन पर अन्य थानों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
भोगांव थाना क्षेत्र में 23 तारीख को एक जनसेवा केंद्र चलाने वाले व्यक्ति में से 70,000 रुपये और थंब इम्प्रेशन वाली मशीन, रजिस्टर आदि सामान लूटा गया था। इस संबंध में तब से घटना के अनावरण के लिए प्रयास किया जा रहा था। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं जो शातिर लुटेरे हैं, अभय, संजीव और अर्जुन। इनके कब्जे से हमको घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, वो थंब इम्प्रेशन वाली मशीन, रजिस्टर और लगभग 22,000 रुपये भी बरामद हुए हैं। रायबरेली उचाहार के हिसामपुर रोड हटवा पुल के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस के सहयोग से उचाहार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों की टीम ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल पर निरीक्षण कर आरोपी डंपर चालक की गिरफ्तारी के सख्त निर्देश दिए हैं। रायबरेली पुलिस ने 5 लाख की टप्पेबाजी करने वाले शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार हुए अभियुक्तों से पूछताछ करने पर उन्होंने अपने बारे में जानकारी दी। वहीं जब इस मामले की सूचना प्रशासन को लगी तो प्रशासन अलर्ट मोड पर आकर इस पूरे प्रकरण की छानबीन करना शुरू कर दिया और कोतवाली प्रभारी के इस कार्यशैली को देखते हुए रायबरेली पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने पुलिस टीम की प्रशंसा कर टीम को पुरस्कार भी दिया। श्री राजेंद्र कुमार जो रिटायर्ड सेल्स टैक्स कमिश्नर थे, उनके साथ बैंक के अंदर टप्पेबाजी धोखाधड़ी करके उनके 5 लाख रुपए वहां से ले जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस पर पुलिसकर्मियों ने पहुंच करके अपनी जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल से ऐसा समझ में आया कि कोई व्यक्ति बहुत ही शातिर किस्म का है और बिल्कुल भी उसका प्रोफाइल, क्योंकि वो खुद भी एक सरकारी कर्मचारी रहे हैं और उनका अनुभव काफ़ी ज़्यादा है, उनका ये कहना था कि उस व्यक्ति को देख के कोई शक नहीं कर सकता था कि वो किसी तरह का धोखेबाज आदमी है या टप्पेबाज है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कपड़े पहन करके और बात। खबर आए बरेली से है, जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या में तत्वावधान में आयोजित कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें कई छात्रों ने प्रथम स्थान पर गोल्ड मेडल हासिल कर महाविद्यालय का नाम रोशन किया। और इस दौरान जिलाधिकारी ने छात्रा शिवानी साहू को बुके, शाल एवं मेडल पहनाकर उनको सम्मानित किया। साथ ही उनके कोच जिला कराटे संघ के अध्यक्ष कराटे मास्टर राकेश कुमार गुप्ता को भी बधाई दी। हम डीएम ऑफिस में कराटे का इवेंट था जिसमें हमारा स्टेट नेशनल में सिलेक्शन हुआ है, उसी में सम्मान किया है। नहीं, ये जो इस तरह से एक प्रकार से सट के था, पता नहीं था कौन आदमी है, कहाँ का है, और पुलिस ने बिना किसी मतलब आधार के इतना बड़ा मामला ट्रेस कर दिया। ये उनकी मेहनत और कर्मनिष्ठा और उनकी ईमानदारी का परिचायक है। पैसा जरूर उसने कुछ खर्च किया है, ये अब उसकी बात है, लेकिन जहाँ तक पुलिस का प्रयास का है, हम तो कोई कमी नहीं देख रहे हैं। सर, आज जो है एक बछरावा कोच हमारी शिवानी साहू हैं, जिन्होंने यूनिवर्सिटी जो है अयोध्या में टूर्नामेंट हुआ था, इसका सिलेक्शन नेशनल के लिए हुआ है और गोल्ड मेडल मिला है। इस अवसर पर जो है आज श्रीमती जो है जिलाधिकारी महोदया ने इनको जो है मेडल पहना करके और बुके देकर शाल ओढ़ा करके इनका सम्मानित किया। खबर गाजीपुर से, जहां सांसद अफजल अंसारी इन दिनों प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत लगातार सड़कों का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी के साथ सैदपुर में 6 किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास कार्यक्रम किया और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार पर भी जमकर तंज कसा। बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजल अंसारी ने बयान जारी कर भारतीय जनता पार्टी की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि सरकार कोविड को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। कई राज्यों में मिली चुनाव हार से ध्यान भटकाने के उद्देश्य से कोरोना दुष्प्रचार कर रही है, जीतों और कोरोना का जिक्र कर जनता को गुमराह कर रही है। बसपा सांसद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि सपा और सुभाषपा के साथ आए। पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत गाजीपुर में 250 किलोमीटर सड़कें गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में स्वीकृत हुई हैं। इसके लिए 190 करोड़ रुपया आवंटित कराया है। उन सड़कों पर कार्य प्रारंभ हैं।
कुछ सड़कें पूर्ण हो गई हैं, कुछ के शिलान्यास किए जा रहे हैं। आज भी ये रावल मोड़ से ये 6.5 किलोमीटर की सड़क जो 7 करोड़ रुपए की योजना से बननी है, इसका आज शिलान्यास। कप्तानगंज तहसील के तेड़िया घाट पर अवैध बालू खनन की शिकायत को संज्ञान में लेकर SDM रतिका श्रीवास्तव ने राजस्व टीम को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। नायब तहसीलदार कुंदर वर्मा के राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचकर छापेमारी की और अवैध खनन कर रहे बालू को JCB मशीन की मदद से नदी में डलवाया। उन्होंने कहा कि अवैध बालू खनन पर पूरी तरह से रोक लगाया जाएगा और खनन माफियाओं के खिलाफ आगे छापेमारी अभियान जारी रखने के निर्देश दिए। इस दौरान लेखपाल मार्कंडे गुप्ता, संगम प्रसाद समेत अन्य अधिकारी उपस्थित। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पढ़ने वाले एक कश्मीरी छात्र पर हुए जानलेवा हमले के खिलाफ कश्मीरी छात्रों ने विश्वविद्यालय के शताब्दी गेट पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और अलीगढ़ प्रशासन से मुलाकात कर अपनी सुरक्षा की मांग की है। कश्मीरी सीनियर रिसर्च स्कॉलर जिब्रान फाजली ने पत्रकारों को बताया कि आए दिन कश्मीरी छात्रों के साथ किसी न किसी बात को लेकर विवाद और मारपीट की जा रही है। अपर जिलाधिकारी मोनू राणा ने बताया कि कश्मीरी छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कश्मीरी शिकायतों को थोड़ा सा कहीं असुरक्षा के लिए ये व्यक्त कर रहे थे। असुरक्षा का भाव आ गया है क्योंकि बच्चों में कुछ घटना हुई है परसों, तो उसको लेकर इनसे वार्ता की गई है। उसमें प्रॉक्टर से भी वार्ता की गई है और कल इनकी बातचीत कराई जाएगी और ताकि इनमें कोई असुरक्षा का भाव ना रहे और इस तरह का कोई माहौल ना रहे, सभी के लिए समान रूप से सुरक्षा यहाँ पर उपलब्ध है। नहीं, हमेशा देखा है तमंचे, हमेशा हर हॉल में मिलेंगे ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे गुंडे जो इलीगल रह रहे हैं वहाँ पे हर रूम में। तो हम चाहते हैं कि इनको निकाला जाए ऐसे एलिमेंट्स को। गेट पे कैमरे लगे हैं, सब कुछ लगा है, लेकिन ये बात आपसे कौन कह रहा था कि आप आतंकवादी हैं? जी, जो यूनिवर्सिटी आप सेंटिनरी गेट कल की फुटेज देखेंगे तो वहाँ पे जो गुंडे खड़े थे तो वो कह रहे थे आप आतंकवादी हैं, एक एक को गोली मार देंगे और गाली दे रहे थे बहुत। वो आते कहां से, कौन लड़के हैं? हमें बिल्कुल नहीं पता, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो देखें यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन अनसक्सेसफुल है देखने में, तो इसीलिए आज हम यहां आए हैं। कश्मीरी फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।